हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। पार्थ, इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। कल्पना करो, उस काल में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मधुसूदन, इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात ये कि जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर? वारणावत की घटना सत्य थी, और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हस्तिनापुर से कोई संदेश वाहक ना आया तो आप जान लें कि हम युक्ति से ही नहीं, शक्ति से भी पांडवों का अधिकार दिलाने में समर्थ हैं। इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। महाराज, हमें बहू को वहां से लाने के लिए हाथी, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए, जो हमारी पुत्रवधु को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। अवश्य। देवराज युधिष्ठिर की जय, मां अर्जुन की जय, मां दशदुम की जय, मां शूल की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, रानी कुंती की जय, महारानी द्रौपदी की जय, महारानी द्रौपदी की। मैं इस बात से पूर्ण आनंदित हूँ कि मुझे मेरे पुत्र सुरक्षित मिल गए। आनंद के इस अवसर पर अन्यथा न लें तो एक बात कहूं महाराज। अवश्य। महाराज, अब तो पांडवों का परिवार भी बस गया, शनै शनै उनके कुल में वृद्धि भी होगी, इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं, और पिता और पुत्र के बीच में भागीदारी कैसी? भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर देना, और परंपरा भी यही रही महाराज। परंतु इसमें शंका किस बात की है? तो फिर हस्तिनापुर राज्य को दो बराबर भागों में बांट देने में कौन सी असुविधा है? नगर का भी बंटवारा किया जा सकता है। तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं? नहीं महाराज, युवराज धृष्टद्युम्न तो पांडवों को एक स्वतंत्र राजा देखना चाहते हैं, और अपनी बहन को पटरानी। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? परंतु मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार, कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। अच्छा, तुम ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्या कहना चाहते हो शकुनी? यही कि पांडव तो वीर हैं, गंभीर हैं और दिव्य अस्त्रों के जानकार भी। वे तो राज्य के अनुपयोगी भूभाग को भी संपन्न बना सकते हैं, खंडहरों में भी सोने की नदियां बहा सकते हैं। अगर राज्य को ही समृद्ध करना है
तो उन्हें कोई ऐसे भूभाग को सौंपा जाना चाहिए जिसमें वो अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर सकें। हाँ जी जा श्री, पूरा प्रदर्शन। तुम ठीक कहते हो शकुनी, मुझे भी पांडवों पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं अपने पूर्वजों के पुरातन नगर खांडव वन को उन्हें सौंपता हूं और उसके साथ लगे भूभाग को भी। वाह जीजाश्री वाह, क्या सोचा है। मेरे प्रिय भांजे पांचों पांडव निश्चय ही वहां हस्तिनापुर से भी श्रेष्ठ नगर बसा लेंगे। हाँ महाराज, मुझे और धृष्टद्युम्न दोनों को आपका निर्णय स्वीकार है। इतिहास साक्षी है कि शौर्यवान राजाओं ने अपनी भुजाओं के बल से ही नई नई राजधानियों का निर्माण किया है। निश्चय ही गांधार कुमार की ये बात इस बार सत्य होकर ही रहेगी। आखिर निर्णय क्या हुआ है देवकी नंदन? वही जो मेरा पूर्व अनुमान था, महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों को खांडव वन का क्षेत्र सौंपा है। खांडव वन? परंतु अब खांडव वन में क्या है? वहां कहां राजधानी बनेगी? वहां तो पुराने खंडहर ही खंडहर हैं पुत्र। अरे बुआ, वहां बहुत कुछ है। सबसे पहले तो वहां हमारी प्रिय यमुना जी हैं। चारों ओर वनों की हरियाली छटा है, पर्वत मालाएं हैं, और इससे अधिक आपको क्या चाहिए बुआ? परिहास ना करो कन्हैया, क्या मेरे पुत्रों के भाग में यही संपत्ति आनी थी? क्या इसीलिए तुम और धृष्टद्युम्न महाराज से वार्ता करने के लिए गए थे? आप चिंता ना करें बुआ, आपके साथ मैं हूं और आपके पांच वीर पुत्र हैं। लेकिन ये न्याय नहीं है। न्याय और अन्याय का प्रश्न तो वहीं उठता है माता श्री, जहां पर अधिकार पहले से ही प्रमाणित हो। इस समय तो महाराज ने जो भी भूभाग हमें दिया है उसी पर संतुष्टि करनी होगी। तुम लोग जैसा उचित समझो करो। हाँ बुआ, आप खांडव वन चलने की तैयारी कीजिए। इससे पहले हम और अर्जुन आज प्रस्थान करते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या किया जा सकता है। लो ये है तुम्हारा खांडव प्रस्थ। मधुसूदन? हाँ? यहाँ तो केवल जंगल और खंडहर ही हैं। इन जंगलों और खंडहरों में राजधानी का निर्माण कैसे संभव है? संभव है, सब कुछ संभव है। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। हमें इन्हीं खंडहरों में राजधानी की संभावनाओं का पता करना है और हस्तिनापुर से हम आए भी इसीलिए हैं अर्जुन। चलो चलिए। पार्थ, इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। कल्पना करो उस काल में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मधुसूदन, इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात? अर्थात ये कि जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन करता हूं। Thank you.
विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें देव, विश्वकर्मा को किस निमित्त स्मरण किया गया है? हे देवशिल्पी, पहले आपने मेरे कहने से द्वारिकापुरी का निर्माण किया था। हाँ। अब आपको इसी वन प्रांत में पांडवों के लिए एक भव्य राजधानी का निर्माण करना है। भगवान, उसके लिए मेरी क्या आवश्यकता है? दानवों का राजा मैं दानव, मेरा मित्र है, वो दैत्य शिल्पी भी है। पूर्व काल में ये खांडव प्रस्थ नगर उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। वे इस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित हैं प्रभु, और इन दिनों इसी वन में विहार भी कर रहे हैं। तो आप शीघ्र उसका आह्वान करें, हमें अति शीघ्र एक वैभवशाली राजधानी चाहिए। जैसी प्रभु की आज्ञा। मुझे क्यों स्मरण किया मित्र? हे दैत्यों के श्रेष्ठ शिल्पी, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इसी स्थान पर एक राजधानी बनाने का आदेश दिया है। आह, आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सहज में ही प्रभु के दर्शन मुझे मिल गए। निश्चय ही महाराज, मैं दानव, आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपने पहले भी इस नगर का निर्माण किया था, आप इसकी संरचना से पूरी तरह परिचित हैं। निश्चय ही। सबसे पहले दैत्यराज वृषपर्वा के लिए मैंने इस नगर का निर्माण किया था। इसके बाद अनेक सूर्यवंशी सम्राटों ने यहाँ शासन किया था। महाराज वृषपर्वा, जो देवासुर संग्राम के एक योद्धा थे? हाँ पांडुपुत्र, खांडव प्रस्थ के अनेक रहस्यों से मैं परिचित हूँ। निश्चय ही दानवराज, मैं यहाँ की भूमि में छिपी अनेक बातों को जानते हैं, ये हमारे सहायक भी होंगे। भगवान, विश्वकर्मा जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वो मैं समझ गया। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्य वंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहाँ वो खजाना छुपाया गया था? जी। तो हमें भी वहां ले चलिए। परंतु मैं एक सीमा तक ही जा सकता हूँ, उसके आगे मेरा जाना असंभव है। वो क्यों? क्योंकि उस खजाने की रक्षा तक्षक नाग करते हैं, वो किसी को आगे जाने नहीं देते। कोई बात नहीं, आप चलिए। तो जो आज्ञा प्रभु, आइए आइए। आगे का मार्ग दिखाइए दानवराज। यहां से नागराज तक्षक का पहरा आरंभ हो जाता है। इन सीढ़ियों पर पांव रखते ही नागराज प्रकट हो जाएंगे। क्या सच? जी हाँ। अच्छा, तो मैं सीढ़ियों पर पांव रखता हूं।
आपकी ये मुस्कान मुझे संदेह में डाल रही है प्रभु। आप अगर आज्ञा दें तो मैं नागराज को उनके परिवार सहित यमलोक पहुंचा दूं। नहीं अर्जुन, नहीं, नागराज ने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई, और किसी भी प्राणी को बिना अपराध मारना उचित नहीं। तुम उनसे मार्ग छोड़ने की प्रार्थना करो अर्जुन। जो आज्ञा मधुसूदन। हे नागराज, हमें आगे का मार्ग चाहिए, आप हमारा आगे का मार्ग छोड़ दें। अर्जुन, नागराज तक्षक नागों के राजा है और देवराज इंद्र के परम मित्र भी, इसीलिए वे देवेंद्र के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं मान सकते। अच्छा, तो आप इसीलिए मुस्कुरा रहे थे देवकी नंदन। हाँ, मैं जानता हूं, नागराज तक्षक चाहते तो तुम पर आघात कर सकते थे पार्थ, परंतु जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए कि उन्हें तुम्हारी छवि में देवराज इंद्र की छवि दिखाई दे रही थी। ऐसा क्यों है मधुसूदन? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुंती बुआ ने देवराज इंद्र के आशीर्वाद से ही तुम्हें प्राप्त किया था, इसलिए देवराज इंद्र तुम्हारे धर्म पिता भी हैं। तो प्रभु, अब इंद्रदेव का आवाहन कीजिए ताकि आगे का मार्ग निष्कंटक हो सके। तुम ठीक कहते हो देवशिल्पी। भगवान के श्री चरणों में सेवक इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। मृत्यु लोक में मेरे स्मरण का कारण प्रभु। देवराज, पहले अपने पुत्र अर्जुन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम धर्मपिता। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। देवराज, आप तो जानते ही होंगे कौरव राज्य का बंटवारा हो गया है। बंटवारे में पांडवों की भागीदारी में यही क्षेत्र आया है जिसका इन्हें नए सिरे से निर्माण करना होगा, और फिर राज्य के संचालन में तो बहुत धन की आवश्यकता होगी। सो दानवराज की सहायता से हम उस प्राचीन खजाने की खोज में निकले हैं, परंतु आपके नागराज तक्षक ने हमारा मार्ग रोक रखा है। मित्र तक्षक, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, इन्हें प्रणाम करो। अब मेरी प्रार्थना है मित्र, तुम ये स्थान छोड़ दो और पांडु पुत्रों के सहायक बनो। तुम अपने परिवार सहित कुरुक्षेत्र में जाकर निवास करो, वो स्थान सुरक्षित है। लीजिए प्रभु, यह सारा खजाना आपका है। देवराज, आपकी सहायता का हम आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ होगा। यह कहकर आपने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? हां, इतना अवश्य कह सकता हूं कि पांडवों के राज्य में खूब वर्षा करके इसे सदैव धन धान्य से भरपूर रखूंगा। आपकी सहायता से तो इंद्रप्रस्थ आर्यावर्त के सभी राज्यों से
अधिक धनवान हो जाएगा देवराज। अर्जुन, अपने धर्म पिता का आभार मानो। पांडुकुल सदा आपका आभारी रहेगा तात। ये मेरा कर्तव्य था पुत्र। और हां महाराज, मैं आज्ञा देवराज। आप पांडवों के राज्य में एक ऐसी सभा का निर्माण करें जो मेरे सुधर्मा सभा से भी श्रेष्ठ हो। आज्ञा शिरोधार्य है देवराज। अब आप लोग निष्कंटक होकर आगे जाएं, अब कोई बाधा नहीं होगी। भगवान, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आइए प्रभु। मधुसूदन, ये सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। और यह कौमुद की गदा है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। इस समय पांडुपुत्र भीम के अतिरिक्त कोई इसे उठाने की शक्ति नहीं रखता। मैंने स्वयं इसका निर्माण किया है। और यह गांडीव धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। सखा, ये लो गांडीव धनुष, सबसे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी विजय का एकमात्र अस्त्र होगा। ये जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। इसके पश्चात तुम्हें किसी और अस्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी धनुष के द्वारा तुम सभी प्रकार के दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। अक्षय तरकश भी ग्रहण करो अर्जुन। इसे स्वयं अग्निदेव ने प्रसन्न होकर दैत्यराज को दिया था। इस अक्षय तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते। आज से आप लोग इस समस्त संपत्ति के अधिकारी हो गए पांडुपुत्र। महाराज, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि तुम्हारे किसी संकट के समय मैं और अर्जुन तुम्हारे स्मरण मात्र से वहां पहुंच जाएंगे। इस संसार में और क्या चाहिए प्रभु? आपका ये वरदान स्वयं में मेरे जन्म की उपलब्धि है नाथ। आप लोग इस संपत्ति को संभालिए और मुझे देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए सभा निर्माण हेतु जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु। बसाने लगे हैं।
महलोद्यान सरोवर सब यथास्थान सजाने लगे हैं, सब यथास्थान सजाने लगे। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के, ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के शुभ फल सामने आने लगे हैं, को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं, पांडव गण के पांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। वास्तु कला का अपूर्व अनूठा श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई, श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। दोनों शिल्पियों के मानस में आन विराजी है शारदा माई, आन विराजी है शारदा माई। कृष्ण की कल्पना कृष्ण की प्रेरणा, त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई, दिव्य नगर में त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई। प्रस्थ के राजमहल के प्रवेश द्वार पर इस शुभ घड़ी में आप सबका स्वागत है। कुलगुरु मुनिवर धौम्य जी, गृह प्रवेश के इस पावन बेला में प्रथम तिलक के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। पहले इन्हें तिलक कीजिए मुनिवर, इनकी कृपा से ही इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण संभव हुआ है। नहीं महाराज, ये नगर आपका है, ये राज्य भी आपका है और ये राजमहल भी आपका है, इसलिए प्रथम तिलक आपका ही होना चाहिए। कृष्ण, युधिष्ठिर ठीक कह रहे हैं, इस राजमहल में सबसे पहले तुम ही प्रवेश करोगे, तुम्हारे चरणों की धूल से ये स्थान पवित्र होगा, इससे सदैव मेरे पुत्रों का कल्याण होगा। अच्छी बात है बुआ, आपकी आज्ञा और पांडवों की विनम्रता के आगे मैं सर झुकाता हूं, जैसी आपकी इच्छा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टने, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। माया पाए न जाइयो, माया
अब आप सिंहासन पर विराजिए, यह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज से आप इस इंद्रप्रस्थ राज्य के एक छत्र राजा हैं। इस सिंहासन और इस राज्य की मुद्रा पूरे देश में सर्वमान्य होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है महाराज युधिष्ठिर। और मेरा आशीर्वाद है कि आपका ये राज्य सुख व समृद्धि से सदैव भरा पूरा रहेगा, इसकी प्रतिष्ठा पूरे आर्यावर्त में होगी।
महाराज, राज तिलक के शुभ अवसर पर मैं द्वारिका राज्य की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ और ये नौलखा हार आपको भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। यशस्वी भव। मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाउपासते आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पति। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।